तहसील के चाकड़ थाना क्षेत्र में जिल्हा परिषद स्कूल में शिक्षक के ने शिक्षा देने के बहाने छात्राओं से दुष्कर्म करके उन्हें धमकाने का मामला सामने आया है। यह घटना चाकड़ थाना क्षेत्र के जिल्हा प्राथमिक स्कूल की है। छात्राओं ने दुष्कर्म करने वाला शिक्षक के खिलाफ छात्राओं के परिजनों ने चाकड़ थाना क्षेत्र में दो शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है गया है और स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षिका सहित चारों को पंचायत समिति खेड़गे BDO इंदिरा असवाल ने निलंबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेड़ तहसील के जिला प्राथमिक स्कूल की सातवीं कक्षा की छात्राओं के साथ आरोपी शिक्षक ने अश्लील हरकतें किया करता था। आखिरकार कुछ छात्राओं ने मिलकर स्कूल की महिला शिक्षिका को यह बात बताई, लेकिन स्कूल का नाम खराब होगा इस वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। स्कूल द्वारा कोई एक्शन न लेने पर आखिरकार छात्राओं ने अपने परिजनों को बताई। उसके बाद परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी तो पंचायत समिति के BDO इंदिरा ने तुरंत स्कूल के छात्राओं से मिलकर उन्हें पूछताछ करके उन दोषी शिक्षक और मुखिया अध्यापक और दो लेडीज शिक्षकों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शिक्षक के खिलाफ पास्को कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत दर्ज करने के बाद चाड़क पुलिस थाना घटना की जांच में जुटी हुई है। जिला परिषद स्कूल मेदन करवाड़ी में यह मामला सामने आया है। छठी और सातवीं कक्षा में पढ़ रही विद्यार्थियों पर वहां के शिक्षक श्री डोम्बे ने अत्याचार करने की घटना सामने आई। इस बारे में मेरिट एजुकेशन की टीम और हमने खुद जाके उसका इंक्वायरी किया और उसके बाद यह सामने आया कि ये जो घटना है वो सत्य है और उसके बाद हमने वो संबंधित शिक्षक पे FIR दर्ज किया है और बाकी तीन शिक्षक जिनको पता था लेकिन जिन्होंने ये बात बताई नहीं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। कितने शिक्षकों को निलंबित किया गया? चार शिक्षकों को निलंबित किया है, दो शिक्षकों पर FIR दर्ज की है। क्या हुआ बच्चे पालक और जो ग्रामस्थ है उनको हम ये आह्वान करेंगे कि अगर ऐसी घटनाएं आपके जहन में आपको पता है तो आपको ये दबा कर नहीं रखनी चाहिए, इसको सामने लाना चाहिए क्योंकि ये जो अपप्रवृत्तियां है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और ऐसा शासन होना ही चाहिए। चाकन पुलिस स्टेशन के अंदर में एक मेदनकरवाड़ी करके एक गांव है, वहाँ की जो ZP का स्कूल है प्राथमिक शिक्षा केंद्र, वहाँ पर लड़कियों के साथ वहाँ के शिक्षक छेड़छाड़ कर रहे थे, सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे, इस तरह का कंप्लेंट आया था। वहाँ के केंद्र प्रमुख जो है उन्होंने कल हमारे पास FIR दिया था जिसके तहत ये गुना दाखिल हुआ है, जिसमें दो आरोपी मतलब वो शिक्षक और मुख्याध्यापक दोनों को हैरेस किया है और मैंने खुद वहाँ पर विजिट करके लड़कियों के साथ बातचीत की है तो कुछ इसमें जेन्युइन प्रकार है ये ध्यान में आया हमारे। वहाँ पर लड़कियों के साथ बैड टच वगैरह यही बातें हुई है, इससे आगे कोई भयंकर घटना तो नहीं हुई है लेकिन ये हुआ है बैड टच का, ये जो है बच्चों को टच करना वगैरह ये सब हुआ है और उनके कुछ फ़ोटो निकालते थे जैसे स्कूल में बैठे हैं प्रार्थना करने, उस टाइम का फ़ोटो निकाला था या कुछ वीडियो निकालता था और उस पे से भी उनको ब्लैकमेल करता था कि ये तुम्हारे मम्मी को दिखाऊंगा, ये पापा को दिखाऊंगा वगैरह, ये कुछ ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करता था, ये भी ध्यान में आया। वो वैसे वीडियो अश्लील नहीं है फिर भी उनका यूज़ उसने ब्लैकमेलिंग के लिए किया था या फिर बच्चों को धमकाता था कि किसी को बताओगे तो लाल छेड़ा मार के तुमको स्कूल से निकाल देंगे कि जिससे कहीं तुमको एडमिशन नहीं मिलेगी, इस तरह से बच्चों को ये शिक्षक ये करता था, टीचर धमकाता था, इसलिए बच्चों ने आज तक ये बात किसी से नहीं बताई थी। लेकिन वहाँ पर नांदी फाउंडेशन की कुछ एक दो टीचर्स जाती थी सिखाने के लिए, उनके ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने ये मुख्याध्यापक को भी बताया था लेकिन उनको हमारे पास कंप्लेंट देने के लिए आना चाहिए था तो मुख्याध्यापक भी नहीं आए, बाद में वो केंद्र प्रमुख ने हमारे पास कंप्लेंट दी। तो इस तरह के अपराध में अगर मुख्याध्यापक खुद होके नहीं आते कंप्लेंट देने के लिए उनको पता होने के बाद भी तो वो भी इसमें सब अपराधी बन जाते हैं, इस हिसाब से ये दो अपराधी तो हमने अभी पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं और बाकी दो लेडीज़ के खिलाफ भी कंप्लेंट आई है लेकिन वो जिन लड़कियों ने इन लेडीज़ को बताया था वो लड़कियों को अभी पता नहीं लगा, वो स्कूल छोड़ के चले गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उन लड़कियों के पास पूछताछ होने के बाद अगर एविडेंस आता है तो ये दोनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।